नमस्कार, मैं हूं मिंटू झा और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश में लगातार आ रहे भूकंप को लेकर के लोगों में काफ़ी दहशत है। जी हां, देश की राजधानी में सोमवार दोपहर फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पिछले दो महीनों से लगातार हल्के झटकों का शिकार हो रही है, इससे लोगों में पैनिक फैल रहा है। सोमवार दोपहर 2.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई, तब से अब तक अलग अलग दिन 14 बार झटके लग चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये किसी बड़े भूकंप का संकेत है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पश्चिम में जमीन से 18 किलोमीटर गहराई में था। दोपहर 1 बजे दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए। इससे पहले आए झटकों का केंद्र कभी दिल्ली, कभी फरीदाबाद तो कभी रोहतक रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलग अलग एक्सपर्ट दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने की चेतावनी दे चुके हैं। जानकार मानते हैं कि हल्के झटकों को चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। IIT धनबाद के डिपार्टमेंट्स ऑफ अप्लाइड जियो फिजिक्स और सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। IIT के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में खिंचाव के कारण आए दिन धरती हिल रही है, इस जगह से झटकों का दौर जारी रहेगा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के पूर्व हेड AK शुक्ला कहते हैं कि छोटे भूकंप को चेतावनी के रूप में जरूर देखा जा सकता है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, हाई इंटेंसिटी जोन से लेकर लो इंटेंसिटी जोन तक। दिल्ली NCR जोन 4 में आता है, जिसे गंभीर माना जाता है। राजधानी दिल्ली देश में सबसे अधिक भूकंप अनुभव करने वाले शहरों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से लगभग 280 से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली हिमालय के सक्रिय मुख्य सीमा थ्रस्ट से दूर नहीं है, जो कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।